तो कब तक आप शादी कर रहे हैं प्रियंका दी का? प्रियंका का शादी 2024 में। लोग ऐसा नहीं बोले तुम्हारा बेटी जो है चाय बेच रही है और मतलब कि कोई सब हमको अच्छा ही बोला, बधाई दिया प्रियंका को कि ना चलो कोई बेटी आगे बढ़ कर तो कोई काम कर तो कर रही है, बिहार का नाम रोशन की है। युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले सर आप? हम तो यही कहेंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी, बस काम पर लगन होना चाहिए। दोस्तों मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं डोमिनेंट इंडिया, और अभी हम आए हुए हैं प्रियंका गुप्ता जो ग्रेजुएट चाय वाली थी उन्हीं के घर पे हम आए हुए हैं। अभी हम बनमनखी में हैं पूर्णिया जिला, और उनका घर देख सकते हैं किस प्रकार से है, किस गरीबी परिस्थिति में है, और यहाँ पे देख सकते हैं यही है वो घर है, और यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट जो प्राथमिक विद्यालय बनमनखी का उसी के जस्ट आगे में ही इनका घर है। और भैया लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति से उन्होंने उठ के मतलब कि एक पटना में जाके टी स्टॉल खोली हुई है। जी नमस्कार सर, आप कैसे हैं? ठीक। आप यहाँ के रहने वाले हैं क्या? जी। अच्छा, यहाँ पे प्रियंका गुप्ता को तो आप जानवे करते हैं? जानते हैं। अच्छा, उनका जो व्यवहार था एक लड़की होकर के उन्होंने एक कदम उठाया, मतलब कि जो नहीं कर सकता उन्होंने एक कदम उठाया, इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की लड़की थी और उसके बारे में क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं तो वो भी बताइए। आइए लोकल है, आइए ना, आइए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी के दौर में एक समय था जब सोशल मीडिया पे प्रियंका गुप्ता एकदम छाई हुई थी और अचानक से मतलब कि बहुत कम उसका वीडियो वीडियो चलता है। तो जी, वो प्रियंका गुप्ता हमारी लोग की सिस्टर है, यानी मेरी बड़े पा की बेटी हुई, तो वो मतलब एक बचपने से उसको उत्साह था कि हम जॉब करें, ये करें, वो करें, मतलब बहुत उत्साह था सब कुछ। तो उसके बाद वो बाहर चली गई कम एज में, फुआ के यहाँ पढ़ने लिखने लगी, उसके बाद पढ़ाई में थोड़ा मतलब फैमिली मतलब नहीं सपोर्ट किए, मतलब हल्का पैसा के कारण लेके, उसके बाद वो पापा मम्मी उसको बोले, वो अपने से उत्साह लड़की हो के अपनी सिस्टर हो के इतना उत्साह ली और अपने से खुद अपने कदम पे उठी और बोली हम चाय का दुकान टी का दुकान खोलेंगे। अच्छा, उनके ग्रामीण लोग भी आप लोग का सपोर्ट था या ग्रामीण लोग के भी मतलब कि सपोर्ट कर रहे थे? हम लोग भी सपोर्ट किए उसको। अच्छा, आप लोग भी सपोर्ट किए, मतलब आप लोग को इंसल्ट फील नहीं होता एक लड़की होकर के पटना में ग्रेजुएट चाय वाली करके दुकान खोली हुई है? जी जी नहीं, वो अपने खुद के पैर पे खड़ी है, तुमको कोई कर। अच्छा, चलिए, इनके अभी तो घर में फिलहाल जो है ताला लगा हुआ है और कुछ लोग बीमार भी हैं। इनके पिताजी भी बगल में ही किराना स्टोर किए हुए हैं ना, उनसे भी मिलवाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जैसा कि आपको हम बोले थे प्रियंका दीदी के पिताजी से मिलवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम ना उनके घर दुकान पे आ चुके हैं जो किराना स्टॉल है, और ये देख सकते हैं प्रियंका दीदी का ये पिताजी का किराना स्टॉल है और उनके पिताजी से भी मिलवाते हैं, तो यही है उनके पिताजी। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, ठीक है। आपका जो बेटी है वो बल्कि आपकी बेटी नहीं है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरा देश की बेटी है। जो आपकी बेटी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया, और बहुत लड़का लड़की को प्रेरणा भी मिला है इनसे, मतलब कि कुछ लोग भी हैं जो लड़की भी है जो लड़का भी है पीजी करके और मतलब कि एमए करके बहुत सारा मतलब कि अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो इस अभी जो है वर्तमान में आप कैसे हैं, आपका तबीयत वबीयत सब ठीक है? सब सही है। अच्छा, आपका जैसा कि हमने ये भी सुनने को हमको मिला है आपका बेटी का चार स्टॉल जो है खुलने वाला है, तो वो चार स्टॉल खुल गई है और एक स्टॉल खुलने वाला है। अच्छा, स्टॉल खुलने वाला है। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी बेटी दिन पे दिन तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा है, आपको इसमें किस तरह से खुशी हो रहा है? खुशी तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बार बताइए उनका माताजी का कितना दायित्व रहा, आपका कितना, आपका भाई का क्या दायित्व रहा? सबका दायित्व एक ही बराबर ही है। अच्छा, सबका दायित्व। अच्छा, ग्रामीण लोग ऐसा नहीं बोले तुम्हारा बेटी जो है चाय बेच रही है और मतलब कि कोई सब हमको अच्छा ही बोला, बधाई दिया प्रियंका को कि ना चलो कोई बेटी आगे बढ़ कर तो कोई काम कर तो कर रही है, बिहार का नाम रोशन की है। अच्छा, यहाँ तक कि विदेश में भी ये इन बेटी का जो है प्रियंका दीदी का जो है टी स्टॉल खुलने वाला है, तो कब तक खुल जाएगा इस पर आपको कुछ जानकारी है? नहीं, उसमें अभी लेट है। अच्छा, उसमें लेट है, खुलेगी ना तो उसमें चर्चा हम लोग कर देंगे आप लोग। अच्छा, और सुने हैं शादी भी मतलब कि प्रियंका दीदी का 2024 में होने वाला है, तो कब तक आप शादी कर रहे हैं प्रियंका दीदी का? प्रियंका का शादी 2024 में 2024 में 100% हो जाएगा। घर से करने वाले हैं कि पटना में ही होगा? अभी इसके बारे में अभी नहीं सोचा गया। अच्छा, घर से भी कर सकते हैं, पटना में भी कर सकते हैं? पटना से भी हो सकता है, घर से भी हो सकता है। अच्छा,
आपका सर दुकान वकान अच्छा से चल रहा होगा क्योंकि काफ़ी लोग आपको लोकल लोग भी एकदम बधाई देने के लिए एकदम तैयार रहते होंगे। जो बगल में है प्रियंका दी का एकदम पिताजी हैं, उनसे थोड़ा जाके मिलते हैं, प्रेरणा लेते हैं, आपसे भी बहुत ज़्यादा आके मिलते होंगे। बहुत आदमी हमसे मिला और पूछा कि प्रियंका के बारे में सब चीज़। और युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले सर आप? हम तो यही कहेंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। बस काम पर लगन होना चाहिए, लगन रहेगा तो काम आगे बढ़वे करेगा। और यही देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए, और यही प्रियंका दीदी का जो पिताजी है उनका दुकान है किराना स्टोर। तो वीडियो देखने में आपको कैसा लगा? मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।